कर्जा, अडानी ग्रुप पे 96,000 करोड़ का कर्जा, वेदांता ग्रुप पे 1,01,000 करोड़ रुपए का कर्जा, जेपी ग्रुप पे 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा, लैंडको ग्रुप पे 58,000 करोड़ का कर्जा, यानी चंद पूंजीपतियों के पास लगभग 10,55,000 करोड़ रुपए का कर्जा है जो वो वापस नहीं कर रहे हैं। हम एक गंभीर आर्थिक संकट में फंसे हुए हैं जिसके बारे में हम चर्चा नहीं करना चाहते, और ये बैंक जो अभी बंद हो रहे हैं ये रुकेगा नहीं, ये सारे बैंक धीरे धीरे करके बंद होंगे। इसकी वजह यह है कि बैंक खाली हो चुके हैं, उनका पैसा लिया जा चुका है, वो पैसा वापस नहीं किया जा रहा। मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि भाई जिन लोगों ने बड़े कर्जे ले रखे हैं उनसे पैसा वसूलिए, और उनके जो 50 करोड़ से रुपए के ऊपर के कर्जदार हैं उनके पास पासपोर्ट जब्त कीजिए, उनको हिंदुस्तान छोड़ के भागने की इजाजत दीजिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है आप बताइए? अगर हमने कर्जा ले रखा है, ये कर्जा कोई किसी की निजी संपत्ति तो है नहीं, ना भाजपा की है, ना आम आदमी पार्टी की है, ना कांग्रेस की है, ना बीजेडी की है, ये तो आम आदमी का पैसा है ना, ये तो इस देश के लोगों का पैसा है। अगर वो पैसा कोई विजय माल्या, कोई ललित मोदी और कोई नितिन संदेशा और कोई मेहुल चौकसी और कोई नीरव मोदी हजारों करोड़ लूट के हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाता है बाहर, और बाहर बैठ के हमको चिढ़ाता है, सिगार पीते हुए कहता है कि ठीक है हम यहां पे मैच देख रहे हैं लंदन में, आओ जो करना कर सकते हो करो, क्या ऐसे ये देश चलेगा? एक सिंपल सा कानून मैंने डिमांड किया लेटर लिख के कि भाई आप बना दो, 50 करोड़ के ऊपर के जितने भी कर्जदार हैं वो हिंदुस्तान छोड़ के नहीं जा सकते जब तक वो कर्जा नहीं चुकाते हैं, उनका पासपोर्ट जब्त करो। ये डिमांड आज तक नहीं मानी गई, 2 साल पहले मैंने चिट्ठी लिखी। तो लगभग 10.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चंद उद्योगपतियों के पास है, उसको अंग्रेजी का एक शब्द बहुत सुंदर सा दे दिया जाता है, एनपीए हो गया। ठीक है, कहते नहीं कहते हैं? तो अगर ऐसे ही अंग्रेजी का अच्छा शब्द बोलना है तो इसमें भी बहुत सारे लोग 5-10 लाख रुपए 20 लाख रुपए अपने घर के लिए, अपनी गाड़ियों के लिए लिया होगा, इनका भी एनपीए कर दो, हम लोग भी खुश हो जाएंगे। जैसे उनका एनपीए कर रहे हैं 1,25,000 करोड़ वालों का, वैसे हमारा भी एनपीए कर दो, किसानों का भी एनपीए कर दो, जो अनएम्प्लॉयड बच्चे अपने छोटे मोटे रोजगार के लिए पैसा लेते हैं बैंकों से, उनको भी एनपीए कर दो, उनका तो नहीं करते आप। अगर किसी का 5 लाख का कर्जा बाकी है तो तहसील वाला बड़ा सा नाम आपका लिख के वहां पे एक पोस्टर लगाएगा, एक बैंक में पोस्टर लगाएगा, एक आपके घर के ऊपर लगाएगा, और गलती से आप किसी दिन अगर रात में सोते हुए मिल गए तो 4 आपको तहसील के कर्मचारी आएंगे, उठा के पकड़ के हवालात में बंद कर देंगे। मेरा सीधा सा कहना यह है इस सरकार से और कोई भी सरकार हो उससे, मेरा सिर्फ एक सिंपल सा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई कोई बच्चा अगर हाई स्कूल में अच्छी परफॉर्मेंस देता है, इंटर में उसके रिजल्ट कम आ गए, बीए में फिर वो अच्छी परफॉर्मेंस देता है, पीजी में उसके कम नंबर आ गए, अगर फिर वो आईआईएम करने चला गया, एमबीए करने चला गया, वहां उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी कमजोर है, तो क्या तुम उसको चौराहे पे खड़ा करके नीलाम करोगे अपने बेटे को, क्या उसको ठीक करने की कोशिश करोगे? क्या बताऊंगा? आपका अगर अपना बच्चा होगा तो उसको एक्स्ट्रा ट्यूशन लगाओगे, एक्स्ट्रा केयर करोगे उसके लिए, और कोशिश करोगे कि हमारा बच्चा कैसे ठीक हो? तो ये जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, ये हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं, इनको बिजने मारो, रेल बिक गया, सेल बिक गया, कोल बिक गया, नार्को बिक गया, LIC बिक गया, तो फिर हिंदुस्तान में बचेगा क्या? ये एक बड़ी चिंता का विषय है। बैंक ही नहीं रहेंगे, बैंक खाली कर दिए गए हैं, देश की GDP लगातार 4.5% देश की GDP लगातार नीचे जा रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे जा रहा है, और आप कोई बात कहिए, कहिए साहब यहां सब टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहा है, तो कहते हैं पाकिस्तान में 250 बिक रहा है। हमें क्या लेना देना है? हमको नेपाल के, पाकिस्तान के, भूटान के, अफगानिस्तान के रेट से क्या लेना है? अरे भाई हमें कंपटीशन करना है अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, फ्रांस से, जर्मनी से, चाइना से, सिंगापुर से, हमें पाकिस्तान से नहीं कंपटीशन करना है, वो तो बर्बाद है ही, उनसे आप कंपटीशन कराते रहते। तो शाम को 5 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक सारे टीवी चैनल्स पे मुर्गा लड़ाओ योजना चलती रहती है, 4 लोग इधर से बैठ जाएंगे, 4 लोग उधर से, नॉन इश्यूज के ऊपर चर्चा हो रही है। इसलिए मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं, कोई पॉलिटिकल पार्टी
बीजेपी अच्छा काम करती है उनको वोट दीजिए, बीजेडी अच्छा काम करती है उनको वोट दीजिए, कांग्रेस अच्छा काम करती है उनसे वोट कीजिए, आम आदमी पार्टी करती है उनको वोट कीजिए, लेकिन अपने मुद्दों पर वोट कीजिए प्लीज। इस देश में अगर अच्छी राजनीति को लाना चाहते हैं अपने इश्यूज के ऊपर चर्चा कीजिए। बहुत खूबसूरती से इस देश में नॉन इश्यूज को इश्यूज बना दिया गया, उससे बचिए, नहीं तो आज LIC का नंबर है, आपका नंबर है, फिर धीरे धीरे सबका नंबर आएगा, और जो बैंक में आज जब लोगों के पैसे सुरक्षित नहीं है तो कहां सुरक्षित होंगे, इसको समझा जा सकता है।